गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 13 शेल्टर हाई. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि गौरव जानी जो है वो कहाँ पे गए, पहले दिल्ली गए थे. कहाँ से? मुंबई से पहले कहाँ गए? दिल्ली गए. दिल्ली से दिल्ली के बाद कहाँ गए? वहाँ से वो गए मनाली. ओके, अब वो कहाँ पे जाएंगे? मनाली से आगे जो प्लेस है वहाँ पे. सो हमारा पेज नंबर 122 से आपको पढ़ाना बाकी है. सो वहाँ पे दिया है कोल्ड डेजर्ट. फाइनली लोनर एंड आई रीच्ड ले. उनकी जो मोटरसाइकिल है वो और वो खुद कहाँ पहुँचे? लेह वाले जो प्लेस है वहाँ पे पहुँच गए. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो हाई ड्राई एंड फ्लैट एरिया कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट. उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? बहुत हाइट पे क्या था? एक ड्राई एंड फ्लैट एरिया था जिसे वो क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं. ओके, देयर इज अ वेरी लिटल रेनफॉल इन लद्दाख. लद्दाख में क्या था? थोड़ा थोड़ा रेनफॉल हो रहा था. हियर देयर आर हाई स्नो कैप माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट प्लेन. वहाँ पे क्या थे? माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा बर्फ थी और वो वहाँ पे टेम्परेचर क्या था? बहुत ही ज़्यादा डाउन था, मतलब कि बहुत ही कोल्ड था, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही थी. ओके, इन ले आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द स्ट्रीट विथ ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस. जैसे ही वो लेह में एंटर हुए उन्होंने क्या देखा? स्ट्रीट पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस देखे. वाइट हाउसेस क्यों? क्योंकि उनके रूफ पे क्या गिरा था? आइस गिरा हुआ था. ओके, इसलिए वो वाइट दिख रहे थे. आई वॉज राइडिंग व्हीकल स्लोली. आई वॉज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉलोइंग मी. जैसे ही वो अपनी बाइसिकल अंदर लेके गए तो उसको उनको क्या करने लगे? चिल्ड्रन जो थे वहाँ के वो उन्हें फॉलो करने लगे. और वो चिल्ड्रन को क्या हुआ? उनकी वो चिल्ड्रन क्या बोल रहे थे? जूल जूल बोल रहे थे, जिसका मतलब था कि वेलकम वेलकम, मतलब कि आइए आइए. ओके, दे वर अमेज टू सी माई लोनर. उनको उनकी लोनर यानी कि उनकी बाइसिकल देख के क्या हुआ? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा वो लोग खुश हो गए. एवरी किड वॉन्टेड टू टेक मी ऑन देयर होम. हर एक बच्चा जो था वो ऐसा ही चाहता था कि वो उनके घर पे उन्हें लेके जाए. ओके, एट ताशीज होम. अब जो है वो कहाँ पे गए? ताशी के होम पे गए. ताशी ड्रैग मी टू हिज होम. ताशी जो थे उनके घर पे उन्होंने क्या किया? वो उनको लेके गए. हिज हाउस वॉज टू स्ट्रॉइज. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वर कीप्ड ऑन ओवर द अदर. उनका जो हाउस था वो किससे बना था? स्टोन से बना था, जो एक दूसरे पे क्या थे? ऐसे ओवरलैप करके बनाया गया था. द वॉल वॉज कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. और जो वॉल थी वो मड से कोट की गई थी. ओके, द हाउस लुक्ड लाइक अ स्टेबल फ्रॉम इनसाइड. जो हाउस था अंदर से स्टेबल दिख रहा था, जिसमें वो क्या कर सकते थे? कई सारी चीज़ें को स्टोर कर सकते थे. वी रीच द फर्स्ट फ्लोर यूजिंग द वुडन स्टेयर्स. देयर इज अ वेयर वी लिव. उन्होंने क्या वो कहाँ पे गए? स्टेयर के मदद से वो क्या करे? स्टेयर की हेल्प से वो कहाँ पे गए? फर्स्ट फ्लोर पे गए, जहाँ पे वो लोग रहते थे. द ग्राउंड फ्लोर इज अवर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग. उनका जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो क्या रखते थे? एनिमल को रखते थे और उनके फूड को स्टोर करते थे. ओके, कुछ ना कुछ रखने के लिए वो लोग ग्राउंड फ्लोर का यूज करते थे. समटाइम्स व्हेन इट गेट वेरी कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स. आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज. जब बहुत ज़्यादा क्या था? कोल्ड होता था, टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता था, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग भी ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, जहाँ पे एक भी विंडो नहीं है. समझ आया? अगर विंडो नहीं है तो बाहर से विंड नहीं आ सकती, या फिर आपको ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड फील नहीं होगा. ओके, ठीक. थ्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग. थ्री ट्रंक जो होती है वो जनरली आपने देखा होगा, अगर आप विलेज में गए हो तो जो घर बनाते हैं उनकी रूफ में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे क्या था? थ्री ट्रंक का यूज़ किया है रूफ को स्ट्रांग बनाने के लिए. ओके, ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस. उसके बाद क्या किया ताशी ने? क्या किया वो उनको अपने रूफ पे लेके गई, घर के रूफ पे लेके गई. वॉट अ व्यू. वहाँ से उन्होंने नज़ारा देखा तो कैसा था व्यू? बहुत ही अच्छा था. आई वुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड. उन्होंने देखा कि हर एक जगह पे क्या था? ऐसे ही फ्लैट रूफ देख रहे थे. ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिंस गोल्डन येलो कॉर्न. उन्होंने क्या देखा रूफ पे? कि कुछ रेड चिली ड्राई यानी कि सूखने के लिए रखी थी,
या फिर कुछ फ्रूट्स रखे थे जैसे कि पम्पकिन था, ऑरेंज था, गोल्ड येलो कॉर्न था, ये सब उन्होंने क्या किया था वहाँ पे ड्राई यानी कि सूखने के लिए रखा था। ऑल्सो सम हैड स्टैक ऑफ पैडी एंड ऑन सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई। और भी क्या था, पैडी था और उसके बाद था काउ डंग जो होता है जो जनरली वो लोग बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी सूखने के लिए रखा था। ओके, देयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हाउस सेड ताशी। ताशी ने क्या बताया, ये जो रूफ वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो समर सीजन होता है उस टाइम पे वो लोग सबसे ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं। ओके, वी स्टोर डैम फॉर विंटर। एट दैट टाइम वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे क्या बताया है कि विंटर के लिए वो क्या करते हैं, इस फ्रूट एंड वेजिटेबल को स्टोर करते हैं। ओके, एज आई स्टूड देयर विथ ताशी आई सो हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट देयर नीड्स। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ अ वुडन फ्लोर एंड थिक वॉल्स एंड वुडन सीलिंग कुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उन्होंने क्या किया, उनका जो हाउस था वो सीलिंग क्या था, वुड से बना था, तो जनरली वुड क्या है आपको कोल्ड से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर क्या किया है कि उनके हाउस का जो रूफ है और सीलिंग जो है यानी कि रूफ सीलिंग जो है वो किससे बना है, वुड से बना है, तो उन्होंने वो क्या करता है जनरली अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो तो उन्हें उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, ये वाला अपने स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। ओके।